हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। सो, अभी सुबह का टाइम है, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है और क्या क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं, लंच वंच थोड़ा बहुत बनाएंगे। आज संडे है इसलिए थोड़ा अच्छा खासा ही लंच बनेगा और शाम में प्लान है घूमने जाने का, तो देखते हैं आज शायद जाएंगे घूमने। कल मम्मी पापा वापस चले जाएंगे इसलिए आज प्लान है हम लोगों का एक साथ बाहर निकलने का, तो अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग आप लोगों को। मैं पूरा सब कुछ शेयर करूंगी, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सो देखते रहिए। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ग्रीन मटर और आलू की सब्ज़ी, साथ में पूरी बनाई थी। और मम्मी के लिए मैंने सूखा रोटी जो है वो बनाया था, मम्मी को गैस का प्रॉब्लम है इसलिए, और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद चारों बैठ के कुछ देर बात कर रहे थे, उसके बाद पापा और मनोजीत गए बाज़ार और मैं आगे किचन में खाना बनाने के लिए। तो वो लोग बाज़ार से आते वक्त बहुत कुछ लेके आए, फिश, मटन, ये सब। तो आज बहुत कुछ बनाना है इसलिए जल्दी जल्दी से फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि खाना जल्दी से बना के ख़त्म करूंगी। तो आज उन लोगों ने आते वक्त लेके आए पॉम्फ्रेट फिश। तो पॉम्फ्रेट ना पापा को बहुत पसंद है और हमारे उधर उतना मिलता नहीं है, ये सी फिश है ना, तो उस तरफ उतना मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मिला तो मनोजीत बोला क्यों ना ये लेके चलता हूँ, पापा खाएंगे इसलिए। और उसके साथ मटन भी आया है, मटन मुझे बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था इसलिए। तो सबसे पहले पॉम्फ्रेट फिश को मैंने यहाँ पर हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च दे के अच्छे से मैरिनेट कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेला भाजी कर रही हूँ, आज थोड़ा आलू डाल के करेला भाजी कर रही हूँ, इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मल करेला भाजी भी बहुत पसंद है मुझे, लेकिन ऐसे भी बहुत टेस्टी होता है। दूसरी तरफ मैं फ़िश को थोड़ा सा लाल लाल करके फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा प्याज ग्रेट करके और एक पतला सा करी बना रही हूँ फ़िश का। तो ये थोड़ा सा अदरक भी डाली हूँ इसमें, बहुत अच्छा बनता है ऐसे वाला फ़िश। थोड़ा सूखा सूखा बनाऊँगी, उतना ग्रेवी नहीं रखूँगी इसको। तो बस उसके बाद मसाला अच्छे से भुन गया है, अभी यहाँ पर जो फ़िश है फ्राइड फ़िश वो डाल दे रही हूँ। ये पॉम्फ्रेट फ़िश मुझे भी बहुत पसंद है और पर मम्मी नहीं खाएंगी, तो मम्मी के लिए कल ना हिलशा फ़िश आया था घर पे, तो उसका थोड़ा है तो वो मम्मी को मैं दे दूंगी, इसलिए मम्मी के लिए थोड़ा हटा के रखा था अलग से। और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन। तो देखिए मटन को अच्छे से मसाले में भून रही हूँ, जितना अच्छा भूनता है उतना मटन अच्छा बनेगा। और उसके बाद ना कुकर में डाल दूंगी, क्योंकि कढ़ाई में ये बॉयल होने में बहुत टाइम लगेगा, कुकर में 2-3 सीटी लगाने से हो जाएगा। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है तो हम लोग अभी खाना खाने बैठेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ़िश है और यहाँ पे मटन, मटन का फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा बना था। तो बस अभी हम चारों बैठ गए हैं, बस लंच कर लेंगे और बहुत दिन बाद चारों एक साथ खा रहे हैं, नहीं तो मनोजीत का ऑफिस रहता है तो अच्छा ही लग रहा है सब एक साथ मिल के खा रहे हैं। सो अभी शाम हो चुका है और 6:30 बज चुका है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं, मैं भी, मनोजीत भी रेडी हो रहा है, मम्मी पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा घूमने जाने के लिए, मॉल वगैरह में जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा इधर उधर घूम के टाइम स्पेंड करके आ जाएंगे। वही कुछ नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को लेके निकलना था इसलिए निकल रहे हैं। कल ये लोग चले जाएंगे इसलिए सोचा क्यों ना आज घूम के ही आए। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा घूम के। बहुत दिन बाद हमारा शाम में निकलना हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सभी रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग आए हैं मॉल में, सोचा मॉल में ही घूमते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है और साथ में घूमना भी हो जाएगा, नहीं तो गर्मी में कहाँ बाहर घूमें, इसलिए मॉल आ गए हैं। और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, संडे है इसलिए शायद काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा था बहुत दिन बाद हम लोग आए हैं, नहीं तो मेरा और मनोजीत का भी एकदम से निकलना नहीं होता है और गर्मी के चलते हम लोग निकलते भी कम हैं। और अंदर आने के बाद ना एसी में आके इतना अच्छा लग रहा था ना, क्या बताऊं। तो वही थोड़ा घूम घूम के सब कुछ देख रही थी, मम्मी पापा को भी सब कुछ दिखा रही थी।
इंडिपेंडेंस डे के चलते मॉल को बहुत अच्छे से सजा के रखा था, तो वो देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहे थे, उसके बाद हम लोग गए लाइफस्टाइल में। तो वहाँ पे पापा भी थोड़ा अपने लिए कैप देख रहे थे और मनोजीत अपने लिए एक शर्ट लेना था उसको, तो वो देख रहा था। तो और हम लोग भी थोड़ा घूम के देख रहे थे, तो इसने अपने लिए पसंद किया, बहुत अच्छा था ये, किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसके बाद वो और भी थोड़ा बहुत इधर उधर देख रहा था, कुछ लेना है कुछ नहीं इसके चलते। और मेरा ना एक क्या हुआ, कान में जो मैं सोने का बाली पहनती हूँ ना, वो खोल गया था, तो रिंग है, तो उसको मैंने फिर ठीक किया, नहीं तो काज गुम ही हो जाता ये। तो उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं फूड कोर्ट में, और फूड कोर्ट में इतना भीड़। मैं तो सोच रही थी कि हमें बैठने का जगह मिलेगा कि नहीं। तो उसके बाद ना हम लोग ना एक कैरेलियन रेस्टोरेंट में आए हैं, नया खुला है चेट्टीनाद बोल के, बहुत अच्छा खाना था इसका। तो यहाँ पे ऑर्डर करके हम लोगों को कैसे करके एक टेबल मिला खाली, तो वहाँ पे बस बैठ के अभी वेट कर रहे थे खाना आने का। तो उसके बाद ये आया है, दो तरह का डिश हमने ऑर्डर किया था। ये जो पर्टिकुलर डिश है इसका नाम है चिकन कथुकरी पनियारम, ये इतना अच्छा है ना, और साथ में मीट बॉल्स था, उसका भी कुछ एक करेलियन नाम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पनियारम इतना टेस्टी, मैं आपको क्या बताऊँ, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर चिकन का स्टफिंग भरा हुआ था, चिकन कीमा शायद डाला हुआ था, बहुत बहुत अच्छा था। मनोजीत को साउथ इंडियन फूड ज़्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन ये खाने के बाद ना मनोजीत बिल्कुल पागल हो गया, अभी तो बोल रहा है नेक्स्ट जब भी जाएंगे हम यही ऑर्डर करेंगे, मैं तो यही खाने वाला हूँ। और सच में बहुत बहुत अच्छा था, पापा को भी बहुत अच्छा लगा। पनियारम दोनों डिश में ना पनियारम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मीट बॉल्स भी काफ़ी अच्छे थे, मीट बॉल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी कुछ अलग नाम था, वो भी बहुत अच्छा था, और साथ में मीठा चटनी तीखा चटनी सब कुछ दिया था। तो बस हम सब अभी बैठ के थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं और थोड़ा अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद एक साथ सब लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉल में ही घूमते घूमते और फिर फूड कोर्ट आए, खाना पीना किया, इतने में 9:30 बज चुका था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।